बांग्लादेश को पहले टी20 मैच में टीम इंडिया से एक तरफा हार मिली। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए और जवाब में टीम इंडिया ने ये लक्ष्य महज 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ग्वालियर के मैदान में टीम इंडिया ने पहले टी20 में बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 127 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने ये लक्ष्य सिर्फ 71 गेंदों में हासिल कर लिया। टीम इंडिया से मिली हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने ही टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ बयानबाजी कर दी। शांतो ने हार के बाद कहा कि उनकी टीम के बल्लेबाज 180 रन बनाना नहीं जानते। शांतो ने कहा कि बांग्लादेश में उन्हें 140 से 150 रन बनाने वाली पिच मिलती है और इनके लिए उनके जो बल्लेबाज हैं बिल्कुल पाटा पिचों पर 180 रन बनाने के लिए जूझते हैं। नजमुल हसन शांतो ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने खराब खेला, हम इससे अच्छी टीम है। हमने टी20 फॉर्मेट में लंबे समय से अच्छा खेल नहीं दिखाया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम इतनी भी खराब टीम नहीं है। मैं किसी एक खास खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारी बैटिंग यूनिट अच्छा नहीं कर पाई। बल्लेबाजी करते हुए हमारी सोच में आक्रामकता होनी चाहिए, लेकिन हमें शॉट खेलने के लिए अच्छी गेंदों का चयन करना होगा। हमारे अंदर काबिलियत है, लेकिन हमें अपने स्किल्स पर काम करना होगा। हमें कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे बल्लेबाज नहीं जानते कि 180 रन कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि घर पर हमें ऐसी पिच नहीं मिलती। मैं पिच को जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन स्किल्स और सोच पर काम करना होगा। बांग्लादेश के बल्लेबाजों में कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। लिट्टन दास पहले ही ओवर में बेहद ही खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। वो 2 गेंदों में 4 रन ही बना पाए। इमान ने भी सिर्फ 8 रन बनाए। इसके बाद रिदॉय और महमूदुल्ला भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मेहदी हसन मिराज ने 35 और कप्तान शांतो ने 27 रन बनाकर किसी तरह अपनी टीम को 127 के स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि ये स्कोर टीम इंडिया के लिए कोई चुनौती था ही नहीं। संजू सैमसन ने 29, सूर्या ने 29, पंड्या ने नाबाद 39 रन बनाकर आसानी से टीम इंडिया को मैच जिता दिया। टी20 सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। अब दूसरा मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। देखना यह है कि बांग्लादेश की टीम वापसी कर पाएगी या नहीं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि दूसरे टी20 मैच में, जो कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, वहां पर अक्सर हमने देखा है कि वहां की जो पिच है वो बल्लेबाजों की पिच रहती है और वहां पर आसानी से 200-225 का स्कोर टी20 क्रिकेट में बनता है। अगर बात करें अभी दिल्ली प्रीमियर लीग की, तो वहां पर दिल्ली प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस खेले गए थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच सेकेंड टी20 मैच भी हाई स्कोरिंग होगा।